नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और जिसके लिए आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, एब्सोल्युटली फ्री है। इसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओपन सोर्स। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मैं भी ये आपको बता दूँ। अब यहाँ पर आपको ओपन सोर्स सर्च कर लेना है गूगल पर जाकर। ये मैंने ब्राउज़र खोला हुआ है गूगल क्रोम, और यहाँ पर आपको ओपन सोर्स वीडियो एडिटर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है। इसकी वेबसाइट जो है यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगी, और यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है। हालांकि मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो अभी मैं जो ये विंडो है इसे बंद कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसे किस तरीके से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाउनलोड में आ जाता हूँ। डाउनलोड में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किस तरीके से आपको जो है डाउनलोड करना है। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर है। अब हमें इस पर क्लिक कर लेना है। ओपन पर हम क्लिक कर लेंगे। जब ओपन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ समय लेगा, हमें इंतज़ार करना है इस चीज़ का। ये देखिए, यहाँ पर आपको रन कर देना है। रन करने के बाद इस विंडो को जो है मिनिमाइज़ कर देना है जहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है रन करना शुरू होगा। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, शायद थोड़ा टाइम ले सकता है ये। तो अभी हम इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का। यहाँ पर मैं तब तक रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ओपन सोर्स वीडियो एडिटर जो है, यस कर देना है आपको इस बटन पर क्लिक करके। जब आप इस पर यस कर देंगे तो ये जो है सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट सेटअप लैंग्वेज में इंग्लिश में ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर पूछा है क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट, तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट करना है, तो क्लिक कर दीजिए एसोसिएट ओपन सोर्स वीडियो एडिटर विद द ओएसपी फाइल डॉट ओएसपी फाइल एक्सटेंशन, यस कर दीजिए। ऐड एन एक्सेप्शन टू द विंडोज़ फायरवेल, तो इस पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना हो। और ये ध्यान रखना कि तीनों पर आपको चेक कर देना है। यहाँ पर फिर आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, तब तक ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है ओपन सोर्स वीडियो एडिटर इंस्टॉल करना है, और आपको इसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ही इंस्टॉल करना है, और बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन वहाँ पर आपको मिलता है। आपको मैं ये भी बता दूं, जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, कि ये ओपन सोर्स वीडियो एडिटर है जो बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, ना ही आपको कोई पैसा देकर इसे खरीदना होता है। इसका कोई प्रो वर्जन ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसी वजह से ये फ्री है। और इसका नाम है ओपन सोर्स वीडियो एडिटर। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर, गूगल क्रोम से या फिर अपने मोबाइल से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर ये सिर्फ विंडोज़ पर ही चलता है। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि और किस किस प्लेटफॉर्म पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये विंडोज़ पर ही अवेलेबल है। तो अभी हम इंतज़ार करेंगे जब तक ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होता है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ये देखिए, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल होने में, तो हम इंतज़ार करेंगे थोड़ा। तो इस तरीके से आप जो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ओपन सोर्स वीडियो एडिटर को जो है अपने कंप्यूटर पर इस जो है रन करना है, यानी किस तरीके से इसका सेटअप करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और किस तरीके से डाउनलोड करना है। मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, और इसके अलावा आपको इसे जो है सेटअप कैसे करना है, रन कैसे करना है। और ये अब आप देख रहे हैं आपके सामने जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी इसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हम इसका इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा और टाइम लगेगा, ये बस होने ही वाला है। तो अभी मैं देख लेता हूँ। ये देखिए, अभी टाइम लग रहा है थोड़ा, हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे ताकि और जल्दी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बस होने ही वाला है, तो हम वेट करेंगे इसका।
ये थोड़ी बड़ी फाइल है, शायद इसी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि 131 MB की, लगभग 130 से 131 32 MB की इसकी जो है फाइल है, जो डाउनलोडिंग फाइल है, जो मैंने गूगल पर से डाउनलोड की है, गूगल क्रोम के जरिए ब्राउज़र से। इंटरनेट से जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाता है। इसमें इसे डाउनलोड करने में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और बड़े ही आराम के साथ आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। आप देख सकते हैं वीडियो शुरुआत से, कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करना है, वरना कुछ भी अगर इंस्टॉल करते वक्त आप इसे गलत इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर ये शायद ठीक से रन ना हो या ठीक से काम ना करे। तो इसे बिल्कुल सही तरीके से कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने बता दिया है, आप वीडियो शुरुआत से देख सकते हैं। ये देखिए, ये इंस्टॉलेशन जो है ये फिनिश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए अभी इंस्टॉल जो है इसका ये फिनिश हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पर बस ये होने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए अभी हमें इसे लॉन्च नहीं करना है, हम इसे लॉन्च करना है तो आपको इस पर क्लिक रखना है और फिनिश कर देना, और यहाँ पर अगर हमें लॉन्च नहीं करना है तो इसे अनचेक कर देना और फिर फिनिश कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ओपन शॉट वीडियो एडिटर हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसे ओपन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम इसे ओपन करने वाले हैं ओपन शॉट वीडियो एडिटर को। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने ही किस तरीके का इसका इंटरफेस है, कैसा इंटरफेस है, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। इसकी मैं एक पूरी वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा कि आपको किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ओपन शॉट वीडियो एडिटर जो है हमारे सामने खुल गया है। यहाँ पर ये देखिए जो है पूरा सॉफ्टवेयर हमारे सामने खुलकर आ चुका है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसे डाउनलोड करके सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।